बाबा जी, वो जल्दबाजी में स्कूटी स्लिप हो गई और फिर ये फ्रैक्चर हो गया। हजार बार कहा है कि ध्यान से चलाकर, पर सुनते ही नहीं है। लक्ष्मी, डांटने की बजाय देख तो ले कि चोट कितनी गहरी लगी है। पापा मैं ठीक हूँ। पक्का? माँ एक्सीडेंट होने के बाद मैं सीधा अस्पताल ही गई थी, वहीं से आ रही हूँ। लेकिन तू अकेली क्यों गई निशा? मुझे फोन कर दिया होता। लेकिन आज के दिन तुझे स्कूटी निकालने की जरूरत क्या पड़ी? सबके साथ कार में आया थी। बाबूजी, हमने कहा था हमारे साथ चलने के लिए, पर इसके कपड़े ही नहीं डिसाइड हो रहे थे। सॉरी दादाजी, वो संगीत वाले दिन मेरे लहंगे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उस दिन मुझे लग रहा था कि मैंने डॉलिटी का दिन खराब कर दिया, इसलिए मैं वो मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करना चाहती थी। तो मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन से कपड़े पहनूं, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गए तो, और इसलिए मैं लेट हो गई। सॉरी दादाजी। निशा, तूने हमेशा अपने मन की है और आज भी तूने कुछ अलग नहीं किया, पर इस बात की मुझे खुशी है कि तूने कम से कम कोशिश तो की। और ये जैकेट भी तुझे बढ़िया लग रही है बेटा। हाँ, तू मुझे पूरी खुशी कब देगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन तब तक मैं आधे अधूरे खुशियों से काम चला लूंगा। लेकिन हाँ, अगली बार स्कूटी ध्यान से चलाना। हाँ, अरे लेकिन जरूरत क्या है स्कूटी चलाने की? बहन की शादी, मटर गस्ती करने की जरूरत क्या है? ताऊ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सुमित जी जो ऑटो में बैठकर जयपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे और मैंने उन्हें रोका, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं, कम से कम कहानी तो ऐसी बना जिसपे यकीन किया जा सके। ताऊ जी, मैं ना कोई कहानी बना रही हूँ और ना ही मटर गश्ती करने कहीं बाहर गई थी। मैं सच में कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या पहनूं और फिर ये फ्रैक्चर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ताऊ जी, आज तो आप बड़े जच रहे हो। आपके समधी को तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपसे, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक्स। अच्छा चल बेटा, तू बाल ठीक कर अपने और डॉली से मिले। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा हो रहा है, पर मैं ठीक हूँ। बेटा, लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? अब टेंशन मत लीजिए पापा, सब कंट्रोल में। कंट्रोल में है मतलब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था और उसे कंट्रोल में लाने के चक्कर में तेरे पैर में लग गई। आप कितने स्मार्ट हो ना पापा। आई लव यू। जा मिल ले सबसे। तू कहाँ जाएगी? तेरी गिनती तो अब लंगड़ियों में आती है ना। तू यहाँ बैठ, मैं सबको बुलाता हूँ। यहाँ बैठ जा। अरे बच्चो, निशु ब्रो, ये क्या हुआ? देखो भाई, आगे बताती हूँ। हाय हाय, दादाजी की डांट से बचने करना है। अंकुल, सच्ची लगी है यार। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि इडियट। ओए, क्या कर रहा है? पापा आप जाइए ना, सब लोग आ गए। ओके। पर ये लगी कैसे? रुक जा, एक बात बता, तूने वो नॉनवेज के काउंटर से हैंडल कर लिया ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला? अच्छा, बच गए। पर ये सब क्या हुआ? शादी में आ रहे हो ना? जीजू, मैं तो आ रही हूँ, लेकिन आप नहीं जा रहे? अरे जा तो रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ जाता है। अरे नहीं, ये रास्ता मेरी बारात की तरफ जाता है। रुक, मैं अभी दिखाता हूँ। वो जी
जीजी तो कोई हालत में ही नहीं है, कोई तेरा रास्ता निकालना पड़ेगा। जीजू लेकिन आप शादी में कैसे आओगे? डॉली दीदी ने तो आपको कार ही नहीं दिया है। नहीं दिया? मेरी शादी का कार मुझे नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि आपका कार तो मेरे पास है। आप ही ऑटो ऑटो छोड़ो और मेरी स्कूटी में आ जाओ। हाँ चलो। हाँ चलो चलो। सुमित जीजू प्लीज गिरना मत, डॉली दी आपसे बहुत प्यार करती है। और डॉली दी को छोड़ो, हम सबके लिए भी आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू निशु, मुझे भी डॉली बहुत पसंद। बाय बाय, मैं अपनी शादी में जा रहा हूँ। ओके जीजू, हम पहुंच गए। हेलो। हाँ बोल। हम गेस्ट हाउस के कॉर्नर पर खड़े हैं, तू जल्दी से आके जीजू को लेकर जा। आया। निशु यार, इतना तो मैं अपनी शादी में भी नहीं नाचूंगा। अगली बार मैं कुछ भी करूंगा लेकिन दिल्ली वालों को नाचने के लिए नहीं बोलूंगा। सौरभ तुझे और नाचना पड़ेगा, तो एक काम कर, तुम जीजू को बारात के साथ लेकर आ, मैं हॉल पर जाती हूँ। मुझे लग ही रहा था कुछ प्रॉब्लम, अब समझ में आया। रितेश, माय ब्रदर, आई लव यू, आई लव यू टू ब्रो। तू अमेरिका से सिर्फ मेरी शादी के लिए आया है? एक्सपेक्ट ब्रदर, एक्सपेक्ट। ब्रो यू आर ड्रंक, कम हियर। अरे आजा यार। माय ब्रदर रितेश, आज डॉली दी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके लिए दिन खराब नहीं होने दूंगा। काश मेरे पास भी ऐसा चिराग होता जिसमें अपने निशु जैसा एक जन होता। वाव निशु, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तू ऐसे कपड़ों में इतनी अच्छी लग सकती है। कीर्ति, तूने कपड़े देखे? निशु का फ्रैक्चर नहीं देखा? What the hell? ये कैसे हुआ? मैं सुमित जीजू को बाहर तक छोड़कर निकली रही थी कि वहीं मेरी स्कूटी स्लिप हो गई। आपको पता है वो जूस वाला जिसको वो बड़ी शॉप वाला बहुत परेशान कर रहा था? हाँ। जिसकी हमने हेल्प की थी? हाँ। वही मुझे हॉस्पिटल तक लेके गया। नेवर माइंड, तेरी पर्सनालिटी के साथ सूट हो रहा है। What's it, guys? मिक्स एंड मैच करना तो मैंने तुझसे ही सीखा है कीर्ति। Really? Thank you. By the way, मेरे फेस पे जो ग्लो है ना, उसके लिए मैंने एक स्पेशल मेकअप ट्रिक यूज किया है। उसमें ना चीक स्टेन यूज करते हैं, 3 कलर्स के होते हैं, ऑरेंज, पिंक और रेड। मुझ पे ना ऑरेंज सबसे ज्यादा सूट करता है। उसके बाद जो ग्लो आता है ना, मेरी इनर ब्यूटी को तो कोई देखता ही नहीं है, सब मेरी आउटर ब्यूटी में ही खो जाते हैं। I'm telling you. Simply jealous. How blah. Bro, I'm very happy. Finally, Nisha और मेरा connection बन रहा है। मानना पड़ेगा है ना राय? तूने आखिरकार Nisha से दोस्ती करी ली। मुझे तो बचपन से पता है मैं कितना great हूँ। बचपन से जानता हूँ मैं Nisha को। उसके दिल में जगह बनाना ना इतना आसान नहीं है। Relax bro. मुझे challenges बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा चल चलते हैं, वहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसने पी रखी है। ये ले, तू ठंडा पानी पी और दिमाग ठंडा रख। लेना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू इतनी परेशान क्यों हो रही है। हेलो ब्यूटीफुल, आपने मेरी डॉली दी को कहीं देखा है क्या? दिखाई नहीं दे रही। निशु, तूने मुझे पहचाना नहीं? ऑफ कोर्स पहचाना डॉली दी, इतनी सुंदर लग रही हो। एक मिनट, क्या कर रही है? आपको तो पता ही है ताई जी, हम सब कजिन्स को एक दूसरे की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है। तुम लोग ना मुझे आज जरूर रुला कर ही रहोगे।
वो आएगा ना? वो बिल्कुल ठीक है, और आएंगे तो जरूर, कैसे आएंगे पता नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।